आज दिन भर आपको मीडिया में ये खबर पढ़ने को मिली है कि रिजर्व बैंक ने इंग्लैंड के बैंक में जमा अपना 100 टन गोल्ड वापस भारत मंगा लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतनी भारी मात्रा में सोना देश में मंगाने का क्या कारण हो सकता है। आपको याद होगा कि आज से करीब 33 साल पहले जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तब भारत से 47 टन सोना देश के बाहर ले जाकर बेच दिया गया था। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर इस बार RBI ने इतनी बड़ी मात्रा में सोना क्यों मंगाया है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर रिजर्व बैंक देश का सोना बाहर क्यों रखता है। इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली, ये हर साल RBI भारी मात्रा में गोल्ड खरीदता है। जाहिर है कि ये सोना विदेश से खरीदा जाता है और ग्लोबल लेवल पर सोने का सबसे बड़ा एक्सचेंज मार्केट भी इंग्लैंड में है, लिहाजा RBI उसी एक्सचेंज से गोल्ड खरीद कर इंग्लैंड के ही बैंक में जमा करा देती है। इससे सोने की लॉजिस्टिक कॉच बच जाती है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड सैकड़ों साल से सोने की हिफाजत करता आ रहा है और उसे इस मामले में काफ़ी अनुभव है। इस बैंक को दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक भी माना जाता है। ये बात है साल 1991 की, जब केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार थी। तब देश की बैलेंस शीट काफ़ी गड़बड़ा गई थी। RBI के पास आयात बिल जमा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस कमी को पूरा करने के लिए RBI को 46.91 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। इस सोने से तब $40 करोड़ की रकम इंग्लैंड और जापान से लेनी पड़ी थी। उस समय मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री थे। 20 साल बाद समय ने एक बार फिर सोने और मनमोहन सिंह की कहानी दोहराई। इस बार मामला पूरी तरह पलटा नजर आया। ये बात है साल 2009 की, तब केंद्र में UPA की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश की संपत्तियों को डाइवर्सिफाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 200 टन सोना खरीद लिया। इसके लिए RBI को 1.7 अरब डॉलर खर्च करने पड़े थे। इसके बाद रिजर्व बैंक लगातार सोने की खरीद कर रहा है। भारत के केंद्रीय बैंक ने ब्रिटेन से 100 मीट्रिक टन से थोड़ा अधिक सोना अपने घरेलू वॉल्ट में स्थानांतरित कर दिया है। एक समाचार पत्र के मुताबिक शुक्रवार को यह खबर दी गई कि रिपोर्ट के अनुसार 1991 के आर्थिक संकट के बाद पहली बार इतने सोने को ब्रिटेन से भारत मंगाया गया है। भारत को 1991 में आर्थिक संकट के दौरान अपना सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था।